हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले दस्त के बारे में, यानी कि डायरिया के बारे में। पशु कोई भी हो, चाहे बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, बैल हो, सभी में फील्ड कंडीशन में डायरिया की प्रॉब्लम जो है ये बहुत कॉमन देखने को मिलती है। तो डायरिया के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम प्रॉपरली डीवर्मिंग नहीं करते, टाइम पर उसको पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं तो भी डायरिया होता है। सडनली अगर हम उसके जो फीड है उसमें चेंज कर देते हैं, यानी कि उसके चारे में अचानक से हम बदल कर देते हैं, तो भी पशु में डायरिया हो जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से भी पशु में डायरिया हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें उस डायरिया का जो कॉज है, मतलब उस डायरिया का जो कारण है, उसका हमें सही से पता लगाना है कि डायरिया का एक्चुअल कारण क्या है। उसका अगर निदान हम अच्छे से कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट भी हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उस जानवर को दे सकेंगे और जानवर जल्दी से ठीक हो पाएगा। तो ज़्यादातर फील्ड कंडीशन में देखा गया है कि जो बकरियाँ होती है उनको ज़्यादातर डायरिया का जो प्रॉब्लम होता है, तो वो जो बकरी पालक होते हैं, पशुपालक होते हैं, वो ज़्यादातर उनको अनाज खिला देते हैं और उसकी वजह से ज़्यादातर उसमें डायरिया का प्रॉब्लम होता है, या तो फिर वो प्रॉपरली बकरियों में डीवर्मिंग नहीं कराते हैं, जबकि बकरियों में बहुत ज़्यादा वर्म्स होते हैं तो उनकी वजह से भी उनमें डायरिया का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बड़े पशुओं की बात करें तो उसमें भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि चारे में अचानक से बदलाव या फिर बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, इनकी वजह से। तो इस कंडीशन में हमें डिफरेंशिएट करना है कि डायरिया का एक्चुअल कारण क्या है, क्या वजह है, और उसके हिसाब से हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। नहीं तो फिर साधारण सा लगने वाला डायरिया भी हमारी पशु की जान ले सकता है। डायरिया की वजह से पशु में डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से होता है, और अगर हम सही समय पर इलाज ना करें तो अगर डायरिया जितना सीवियर होगा उतना सीवियर उसमें जल्दी से जल्दी डिहाइड्रेशन होगा। और डायरिया का जो काज है, डायरिया का जो भी कारण हो, उसकी वजह से पशु चाहे मरे ना मरे, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से पशु की मौत ज़रूर होगी। तो ऐसे ही एक डायरिया का केस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, जो एक गाय का बछड़ा है जिसमें 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डायरिया की प्रॉब्लम थी। वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया था, यानी कि पानी जैसे दस्त कर रहा था और उसकी उसमें से बदबू भी आ रही थी। तो ऐसा केस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या रिकवरी हुई, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो काउ काफ है, गाय का बछड़ा है, इसको एकदम वाटरी डायरिया, पानी जैसे दस्त हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इसको हमने सबसे पहले, हमें लगा हो सकता है कि इन्होंने अनाज खिला दिया हो इसलिए इसका डायरिया शुरू हो गया है, तो इसलिए हमने इसकी रूमिनल पीएच चेक की जो कि नॉर्मल थी। लेकिन उन्होंने बताया कि 2 दिन से कुछ भी खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, और उन्होंने पहले लोकल वेट से ट्रीटमेंट भी करवा लिया था इसका, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। तो हमने उसको टेम्परेचर चेक किया तो सब नॉर्मल था, ये देख सकते हैं पूरा पानी जैसा दस्त है उसका, और उसमें बहुत सी बदबू भी बहुत आ रही थी। तो इसके लिए हमने, सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, इसी वजह से हमने उसको टॉरियल को हमने गर्म पानी में डालकर थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ सके, और साथ में उसमें हमने डेक्सामेथासोन भी 2 ml मिला के दिया, और हमने मेट्रोनिडाजोल, ये जो फ्लाजिल नाम से इंजेक्शन आता है, वो 100 ml इंट्रावेनस लगाया। साथ ही में हमने उसको 100 ml सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जो आप देख रहे हैं वो भी आईवी रूट से हमने इसको 100 ml चढ़ा दिया है, और साथ ही में हमने इसको एंटी हिस्टामिनिक जो क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट है उसको 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा।
और ओनर को हमने एडवाइस किया कि ये जो आप न्यूपिटार बोलस देख रहे हैं वो आधी आधी बोलस शाम को और सुबह को दे, और साथ ही में ओफ्लोकाइंड ओजड़ आधी आधी बोलस सुबह शाम दे, और एक ही दिन में कॉप नॉर्मल हो गया, बछड़ा नॉर्मल हो गया, उसका खाना पीना भी शुरू हो गया और उसका जो गोबर था वो भी नॉर्मल करने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि आपके पशु की जान बचाने में आपकी मदद कर सकती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।